टाइम न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अलीगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया है और अभ्यर्थियों ने मैरिस रोड पर जाम लगा दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अपना वादा निभाते हुए 6,08,500 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में संशोधित करवाए और अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती में आयोग का पालन नहीं किया गया और भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दरअसल सन 2018 में कई शिक्षकों की भर्ती को लेकर ओबीसी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों को आरक्षित कैटेगरी में नहीं माना गया और इनको अलग कर दिया गया था। इनका मामला जो है 3 साल तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य अगर उसकी बात की जाए पिछड़ा वर्ग आयोग की, और इसके साथ ही विधानसभा में भी चला था। और हालांकि आयोग ने 5% की छूट देते हुए 150 में से 60 अंक और इसके साथ ही 40% तक अतिरिक्त कर नियुक्ति की गई है। और आपको ये भी बता दें कि 8 महीने से आदेश आया हुआ है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 2018 के 68,505% शिक्षक भर्ती का मामला है ये। यह विगत पिछले 4 वर्षों से चला आ रहा है। यह मामला आयोग से में मुकदमे के दौरान आदेश होने के बाद आदेश हमारे पक्ष में आने के बावजूद, पिछली बार जब हम यहाँ धरने पे बैठे थे तो माननीय बेसिक शिक्षा ने किया कि हम अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग कराते हैं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएचसी का वार्ड बॉय इंजेक्शन लगाता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही टीका लगाने के एवज में पैसे भी वसूल रहा है और इसके साथ सीएचसी के चीफ फार्मासिस्ट वसूली के पैसे गिनते हुए मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो मलहीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। जालौन में प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है जिससे एक नवजात की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर पैसा लेने और बेड उपलब्ध न कराने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा भी किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने में लगी हुई है। श्रावस्ती में कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया है। आपको बताते चलें कि डीएम नेहा प्रकाश ने आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आबकारी विभाग की टीम ने भेयापुर जंगल में ही छापेमारी की है, जिसमें पुलिस ने 55 लीटर अवैध शराब और इसके साथ ही 200 किलो लहन जो है वो बरामद कर लिया है। 3 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं आबकारी अधिकारी पीके गिरी ने बताया है कि प्रवर्तन अभियान जारी है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से ही पुलिस ने 3 चोरी के मोबाइल, 1 पर्स और 1 आभूषण भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें फिरोजाबाद से खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताते चले आपको कि 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के पास से कई सामान भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पर्स भी चोरों के पास से बरामद किया गया है। ये शातिर 5 चोर हैं जो पुलिस की गिरफ्त में अब फिलहाल बताए जा रहे हैं। आज प्रातःकाल 6:30 बजे थाना टुंडला पुलिस द्वारा चेकिंग के दरमियान मुखबिर की सूचना पर 5 शातिर किस्म के अपराधियों को दीपा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं कालीचरण, समीर, आमिर, प्रीतम एवं तेज सिंह। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन, चोरी किए गए हुए सामान, कैश, जेवरात आदि बरामद हुए हैं।
संभल में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठिस्तान की बादशाह है और सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है, उन्हें बर्बाद करना चाहती है। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, सरकार 26 तारीख को नहीं भूले कि इस बार पूरे देश के हर राजधानी में 26 तारीख को कार्यक्रम रहेंगे। संभल जिले के ही बहजोई में मौजूद बड़ा मैदान में हजारों किसानों की संख्या के बीच पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान बर्बाद हो गया है और स्वामीनाथन रिपोर्ट सहित किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है और लोगों की इनकम घट रही है, जिससे देश कमजोर हो रहा है और सरकार के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते, जबकि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती। कुछ रणनीति 26 तारीख इनको सरकार भूल ना जाए, 26 तारीख कभी भी, 26 तारीख हर महीने आती है। इस महीने 26 तारीख को पूरे देश भर में राजधानी पर प्रोग्राम होंगे, गवर्नर को ज्ञापन देंगे और 26 जनवरी में फिर अपना ट्रैक्टर लेकर, भैया अपना ट्रैक्टर को तैयार रखना, 26 तारीख कैसे भूल जाएगा, ये देश नहीं भूल रहा 26 तारीख को। तो और किसानों का कहना है कि गन्ने का सत्र शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं किया गया है, जबकि ब्लैक पर गन्ने की खरीद हो रही है और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, किसान प्रतिदिन गन्ने की खोई जलाते रहेंगे। आपको बता दें, किसानों का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है संभल में, जहां पर किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि गन्ने की जो खोई है वो जला रहे हैं और इसके साथ ही किसान लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और गन्ने का भाव तय नहीं होने पर किसानों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बता दें आपको कि संभल की खबर है, जहां पर किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं और गन्ने की खोई जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीस दिन आज गन्ने का नया सत्र चले हुए हो गए, लेकिन आज तक गन्ने का कोई भाव सरकार ने घोषित नहीं किया। ब्लैक पर्चियों पर गन्ने की खरीद हो रही है। हमारी मांग यह है कि सरकार 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का भाव तय करके पर्चियों पर डालना शुरू करे और उसके साथ साथ हमारे जनपद संभल में बाजरा के 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं। खबर संभल से है, जहां संभल में दूध कारोबारी का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ोसी के घर में शव मिला है और पड़ोस के घर में ही शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चलें कि मृतक के सिर पर चोट के निशान है। पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक दानिश कुरैशी जो है मोहल्ला कुरैशियान चौकी लक्ष्मणगंज के रहने वाला है, वो अचेत अवस्था में राहिल हुसैन के यहाँ पाया गया, जिसे यहाँ से चंदौसी लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। संभल में खेत पर सो रहा युवक अचानक लापता हो गया और मौके पर युवक के चप्पल और कंबल मिले हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक के लापता होने का पूरा मामला जो है संभल जिले के कन्नौर थाना इलाके के गांव अकबरपुर का बताया जा रहा है। वहीं युवक के भाई ने अपहरण की आशंका जताई है। हरीश पाल का कहना है कि उसके भाई का अपहरण हुआ है और इस मामले में थाने में तहरीर दी गई है। वहीं युवक के गायब होने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस क्षेत्र अधिकारी कन्नौज आलोक सिद्धू ने बताया है कि युवक के लापता होने की जानकारी मिली है और इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कराई जा रही है। फिलहाल उन्होंने अपहरण के घटना से इनकार करते हुए सिर्फ गुमशुदगी की बात कही है। मामला यह है भैया, हमारा भाई कल 5:30 बजे से खेत का से लापता। कौन भाई था? जीत पाल। अच्छा, फिर
वहाँ वो टू व्हीलर पर सो रहा था, यहाँ वो ने गया वहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुँचा किराए का, तो वो फिर वहीं सो गया, वहाँ से उसे किसी ने उठा लिया। बांदा में एक रोडवेज बस की रफ्तार अधिक होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ही खंती में जा गिरी। आपको बताते चले कि बस में सवार लगभग 40 लोग मौजूद थे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। तो आपको बता दें बांदा से खबर है जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं भारी संख्या में लोग वहां पर दिखाई दिया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर बस पलटी थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मथुरा में नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस पर नोएडा से आगरा की ओर दुर्घटनाग्रस्त खड़े ट्रैक्टर में पीछे से डिजायर कार घुस गई, और जिसके बाद से ही कार में आग लग गई, और आग लगने के कारण कार में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। और वहीं सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। मामले की जानकारी लेते हुए इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि मृतकों की पहचान लाला ओप सोनू कुमार के रूप में की गई है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुँच कर नमूने लिए गए हैं। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है और हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बताते चले कि यमुना एक्सप्रेस पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके साथ ही गाड़ी जलकर खाक भी हो गई है। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में 26 अक्टूबर को अधिवक्ता के पुत्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के रिश्ते के भतीजे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हत्यारोपी लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद को लेकर अपने चाचा की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सांडी रोड से ही उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल का भी बरामद किया है। इसमें ये दिनांक 27 दस को पुलिस को ज्ञात हुआ था कि एक मृतक है राहुल गुप्ता शहर के, इनकी लाश मिली थी, गर्दन व सर पर चोट के निशान थे। इसमें इनके परिजनों द्वारा नामजद FIR की गई थी, जो कि अपने भाई और अपने भतीजे ललित कुमार उर्फ निशु और अन्य 2 अन्य परिजनों के खिलाफ की थी। पार्टी के विवाद में उसके द्वारा हत्या की गई थी। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र सरसवा मजरा के वाजिद नगर में ही एक किसान के परिवार के ही लोगों ने पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी है, और साथ ही किसान को बचाने पहुंचे 2 पुत्रों को भी हमलावरों ने घायल कर दिया है। एक बेटे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहां पर दो बच्चों को भी घायल किया गया है, और इसके साथ ही बता दें आपको कि किसान जो है उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल मामला सामने नहीं आया है कि हत्या किस लिए की गई है, लेकिन हरदोई के ही पिहानी थाना क्षेत्र सरसवा मजरा वाजिद नगर में ही एक किसान के परिवार के ही लोगों ने पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। साथ ही किसान को बचाने पहुंचे 2 पुत्रों को भी हमलावरों ने घायल कर दिया है। एक बेटे का इलाज अस्पताल में जारी है। थाना पिहानी क्षेत्र में एक व्यक्ति है नरेश और दूसरे उनके भतीजे 3 हैं, रामनिवास, रामावतार और अवधेश। इनके बीच एक जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद में लाठी डंडों से इनके भतीजों ने नरेश को मारा पीटा। उनको इलाज के लिए यहां पर रेफर किया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।